हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय डियर फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी पंजाबी कढ़ी पकौड़े। जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ उसी प्रोसेस से पंजाबी ढाबे पे भी ये बनाई जाती है। ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है ये, चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ी बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में डालिए 1/4 कप यानी कि 2 टेबलस्पून बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन हम ऐड नहीं करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें जाएगा 1 कप दही जो थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी का। इसे अच्छे से फेंट कर ही हम बेसन में ऐड करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना हो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं 2 ग्लास के आसपास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब कढ़ी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मेथी सीड्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून सौंफ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश करी लीव्स, 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 टीस्पून चॉप्ड हरी मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें जाएगा 1 फाइनली चॉप्ड अनियन। मिक्स कर लेते हैं और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और दही का घोल जो हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। सावधानी से इसे हम ऐड करेंगे और अब इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। हाई हीट से दही फट सकती है तो हम इसे हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी का मतलब होता है जिसे कढ़ा जाए अच्छे तरीके से। याद रखिएगा, इसे अच्छे तरीके से हमें काढ़ना है और तभी पंजाबी ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। चलिए जब तक कढ़ी बन रही है तब तक हम पकौड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बोल में ऐड करेंगे 1/2 कप पालक के पत्ते जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। इसमें जाएगा 1/4 कप वॉश्ड और चॉप्ड फ्रेश मेथी के पत्ते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको बिल्कुल पंजाबी टेस्ट चाहिए तो। अब इसमें जाएगा फ्रेश चॉप्ड धनिया की पत्ती। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जाएगा अजवाइन जिसे हम ऐसे हाथों से क्रश करते हुए ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून कलौंजी या मंगरेल। अब इसमें जाएगा 1 कप बेसन। इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब इन सबको थोड़ा मिक्स करते हैं और मुझे लग रहा है इसमें बेसन और जाएगा तो 1 टेबलस्पून के आसपास हम और बेसन इसमें ऐड करेंगे। इसमें जाएगा 1 फाइनली चॉप्ड प्याज और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून घी और बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इससे पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। अब फाइनली इन सबको मिक्स करते हैं और आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल रेडी है। आपको इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अब एक बार कढ़ी भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये कितनी गाढ़ी बन रही है। इसे कवर करते हैं और तब तक सारे पकोड़े तल लेते हैं। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम ऐसे अपने हाथों को थोड़ा पानी या तेल से गीला कर लेंगे। अब थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरीके से धीरे से तेल में ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त लो मीडियम ही होना चाहिए। अब एक बार में हम 7 से 8 पकौड़े इसमें ऐड करेंगे और तल लेंगे। 1 मिनट तक इसे हमें टर्न नहीं करना है। 1 मिनट के बाद ये अपना शेप खुद ही ले लेगा और तब हम इन्हें टर्न करेंगे इस तरीके से। अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे।
आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे हम इन्हें एक किचन टॉल पे बाहर निकाल लेंगे। और अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए सारे पकोड़ों को तल लेंगे। आप देख सकते हैं सारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं, कितने क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं ये। चलिए अब कढ़ी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी कढ़ी, अच्छे से ये कढ़ चुकी है। इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब सारे पकोड़ों को इसमें ऐड करते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है, गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और अब इसमें डालेंगे पंजाबी तड़का, जिसे इसका फ्लेवर बिल्कुल डबल हो जाएगा। इसके लिए एक तड़के पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी से ही हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हींग। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब इसे गरम गरम ही कढ़ी के ऊपर डालेंगे और अब फटाफट से इसे कवर करेंगे। चलिए अब ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी टेम्प्टिंग है ये पंजाबी कढ़ी, बहुत टेस्टी और ऑथेंटिक रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपको कैसा लगा। ऐसे ही इजी होम स्टाइल, ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल कुकिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और सिंपल, इंटरेस्टिंग और यमी रेसिपी के साथ। टिल देन हैप्पी कुकिंग, बाय एंड टेक केयर।